जावेद हूँ, लखनऊ से हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर रही हूँ यूनिटी लॉ एंड पीजी कॉलेज की। तो अभी मैं एज प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रही हूँ, अप्रैल से मैं देख रही हूँ इस स्कूल को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 90 से पहले मैक्सिमम यहाँ के ऊपर कश्मीर में मैक्सिमम आर्य समाज के स्कूल चला करते थे जी। 90s के बाद कुछ स्कूल्स बंद हुए थे, और लेकिन दो स्कूल हमारे कंटिन्यू चल रहे थे, एक आपका ये DAV रैनावारी और दूसरा DAPP वज़ीरबाग में। तो अब ये तीसरा महाराजगंज में हमारा स्कूल अब स्टार्ट हुआ है। ये आर्य समाज का स्कूल है और ये यहाँ के लोगों की डिमांड के ऊपर ही यहाँ पर स्कूल स्टार्ट किया गया था। हमारे मैनेजमेंट से डिमांड की गई थी कि यहाँ पर दोबारा से स्कूल स्टार्ट होना चाहिए, इसीलिए ये स्कूल स्टार्ट हुआ है फिर से। काफ़ी मतलब लेबर क्लास फैमिली से हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से नज़दीक कोई स्कूल है नहीं आसपास, मतलब जो भी होगा उनको बस का फेयर वगैरह देना पड़ेगा। तो उनको हमने उन्हीं बच्चों के लिए ये स्कूल वापस से स्टार्ट किया गया है यहाँ पर। तो हमारी कोशिश यही है, अभी रोल बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 35 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इन बच्चों को सही गाइडेंस देना, सही क्वालिटी एजुकेशन देना और सही रास्ता इनको दिखाना, इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना। मैं स्मार्ट क्लास के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे स्मार्ट क्लासेस भी स्टार्ट हों, स्मार्ट क्लास चले हमारा, जैसा कि मतलब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो हमारी कोशिश यही है कि इस स्कूल को हम काफ़ी आगे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन सबके सपोर्ट के साथ। नहीं, हमने अभी एडमिशन फ्री एडमिशन रखा था यहाँ के ऊपर, कोई एडमिशन फ़ीस नहीं थी, बल्कि ट्यूशन फ़ीस भी हमारी जो इजीली ये लोग अफोर्ड कर पाते हैं वही हमने रखी है। कोई किसी तरह का कोई मतलब फोर्स नहीं है पेरेंट्स के ऊपर कि नहीं सबमिट करो, इसी डेट के अंदर करो या लेट फीस करो, ऐसा कुछ भी हमने चार्जेस नहीं रखे हैं। पूरा हेरिटेज है और काफ़ी पुराना स्कूल है ये, उसका मैं बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं मैं जाऊँगी, मगर ये है कि 90 से पहले यहाँ पर ये आर्य समाज का ही स्कूल चला करता था पहले जी। तो आप उम्मीद है कि आप रोल इसमें बढ़ेगा? जी, मुझे पूरी होप है कि हमारा ये रोल भी बढ़ेगा, हमारा मतलब और क्वालिटी भी बढ़ेगी हमारी। और लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी, मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। भले आप ऐसे, और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ, ये स्कूल बहुत अच्छा है और इधर पर अच्छी नॉलेज मिलती है हमें पढ़ने के लिए, और यहाँ पर स्पोर्ट्स भी हमारी प्रिंसिपल मैम हमारा सपोर्ट देती है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इधर पर, और टीचर्स भी बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और हमें फैसिलिटी की बात करें, फैसिलिटी क्या क्या है? हाँ, हमें यहाँ पर से गेम्स रखे हैं, ये क्रिकेट गेम्स रखी है, और 10th 9th क्लास को ये पोलो ग्राउंड लिए जाता है, और उनको ये अगर सेलेक्ट हो गए उनको ले जाएंगे जम्मू खेलने, और वहाँ पर इंटरनेशनल खिलाएंगे उनको।